अभी दूसरा मामला कांकेर जिले का है, कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें दो लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है। किराना दुकान गई थी सामान लेने के लिए और उसी किराना दुकान में उन दोनों दरिंदों ने मिलकर उसकी इज्जत लूट ली। उसमें विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा कि पीड़िता के जो पहचान है उसे सार्वजनिक ना किया जाए, कानूनन दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से और उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका सभी लोग ध्यान रखें। लोकतंत्र में बाकी अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाने के लिए सभी सक्षम हैं। स्थानीय विधायक ओपी चौधरी का बयान आया है। ओपी चौधरी ने लगभग 4 मिनट तक पत्रकारों से बातचीत की है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार प्रशासन बेहद गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और उन्होंने प्रशासन से एसपी से भी बात की है। FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर 8 में से 7 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित पुलिस के द्वारा की गई है। 8वां आरोपी आज पता चला है उड़ीसा क्षेत्र में मृत पाया गया है। बंधक बनाने के बाद उसी दुकान में इन दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सारी रात पीड़िता उसी दुकान में रही, घर नहीं जा पाई। जैसे तैसे करके वो सुबह घर गई। हालांकि देर रात तक परिवार वाले उसके खोजबीन करते रहे, ढूंढते रहे, पुलिस तक बात पहुंच गई थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहूर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और मेरे पत्रकारिता के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक ही दिन में गैंगरेप की दूसरी खबर उसी दिन बतानी पड़ रही हो। यानी कि कुछ ही घंटे पहले मैंने एक स्टोरी दिखाई थी, रायगढ़ जिले का मामला था, 8 लड़कों ने किस तरह से एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। उन 8 लड़कों में उस महिला का एक दोस्त भी है जिसके दोस्तों ने मिलकर उस महिला की आबरू लूट ली। अभी दूसरा मामला कांकेर जिले का है, कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें दो लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है। किराना दुकान गई थी सामान लेने के लिए और उसी किराना दुकान में उन दोनों दरिंदों ने मिलकर उसकी इज्जत लूट ली। हालांकि रायगढ़ जिले वाले मामले में, रायगढ़ में जो गैंगरेप हुआ है उस मामले में वित्त मंत्री और रायगढ़ स्थानीय विधायक ओपी चौधरी का बयान आया है। ओपी चौधरी ने लगभग 4 मिनट तक पत्रकारों से बातचीत की है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार प्रशासन बेहद गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और उन्होंने प्रशासन से एसपी से भी बात की है। इस विषय को लेकर कहा है कि जल्द से जल्द जितनी भी कार्रवाई करनी है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इसके लिए स्पेशल एक अलग से टीम बनाई जाए और टीम बनाकर इस पूरे मामले का खुलासा करना चाहिए। आपको बता दें कि रायगढ़ में जो एक आरोपी है, 8 आरोपी थे, उनमें से एक आरोपी जो है फरार चल रहा था, तो उड़ीसा इलाके में वो लगातार भाग रहा था और भागने के दौरान जो है खेत में जो करंट बिछाई गई थी, जो तार बिछाए गए थे, क्योंकि उस इलाके में अक्सर बाकी किसान करते हैं कि फसल को बचाने के लिए लोग जो है तार की फेंसिंग करते हैं और तार की फेंसिंग में करंट भी दौड़ा देते हैं, तो उसी करंट की चपेट में आकर एक आरोपी जो नाबालिग था उसकी मौत हो गई है। बाकी 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, इनमें से एक नाबालिग भी है, यानी कि इस पूरे मामले में 2 नाबालिग थे और बाकी बालिग आरोपी थे जिनकी पुलिस ने खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको हैरानी होगी कि इस मामले में जो आरोपी था उसमें एक आरोपी जो है उस महिला को बहुत अच्छे से जानता था और ये भी कहा जा रहा है कि वो उस महिला का दोस्त भी था और उसके दोस्तों ने मिलकर इस पूरी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। और दूसरा मामला जो अभी थोड़ी देर पहले ही प्रकाश में आया है और लगातार इस पर बातें हो रही है, भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र का मामला है और एक गांव का जिक्र हम नहीं कर सकते, और पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। और पुलिस के अनुसार किराना दुकान में नाबालिग जो है सामान लेने गई हुई थी और इन दोनों आरोपियों की नज़र उस नाबालिग लड़की पर पड़ी और शाम को, चूँकि घटना दिन शाम के आसपास की है और सामान लेने गई हुई थी, और पीड़िता को बकायदा दुकान में बंद किया गया, उसको बंधक बनाया गया और बंधक बनाने के बाद उसी दुकान में इन दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सारी रात पीड़िता उसी दुकान में रही, घर नहीं जा पाई। जैसे तैसे करके वो सुबह घर गई। हालांकि देर रात तक परिवार वाले उसकी खोजबीन करते रहे, ढूंढते रहे, पुलिस तक बात पहुँच गई थी और परेशान थे। सुबह जब अपने परिवार वालों से मिली तो परिवार वालों को पूरी कहानी बताई, पूरी आपबीती बताई कि उसके साथ रात में क्या कुछ हुआ। तत्काल परिजन भानुप्रताप पुलिस थाना पहुंचे जहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और मामले के थाने पहुंचते ही आरोपी दुकानदार को, दुकान बंद करके जो है फरार हो चुका था, उसकी तलाश की गई और लगातार दोनों आरोपी को तलाश की जा रही थी और दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के नाम मैं बता देता हूँ, विनोद कुमार नरेटी, पिता स्वर्गीय रघुवर सिंह नरेटी, 26 साल इसकी उम्र है, भानुप्रतापपुर इलाके के डुगा गांव का रहने वाला है। दूसरा आरोपी परसराम कोमरा, इसके पिता का नाम है देवजाराम कोमरा, 45 साल इसकी उम्र है, ये विनायकपुर का रहने वाला है। और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर रामेश्वर देशमुख को आगे आप सुनेंगे। इसके अलावा
रायगढ़ गैंगरेप मामले में ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं और स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। लेकिन हैरानी हो रही है कि आज एक ही दिन में मैं भी कभी सोचा नहीं था कि एक ही दिन में गैंगरेप की दो स्टोरी आप सबको बतानी पड़ेगी। ये वाकई में दुखदायी है और काफ़ी दुख वाला विषय है कि ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं आज की तारीख में। उसौर क्षेत्र की जो घटना घटित हुई अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस पूरी घटना में हम लोगों का पहला प्रयास है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता की पहचान किसी तरह से सार्वजनिक ना हो। कानूनन दृष्टि से भी, नैतिकता की दृष्टि से भी, उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीधा मिलना जुलना, घर जाना, गांव जाना उनका ना करके हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से उनसे फ़ोन पे बातचीत करके, प्रशासन पुलिस को लगातार सक्रिय करके, पुलिस प्रशासन के माध्यम से बात करके सख्त कार्रवाई के लिए लगातार शुरू से प्रयास कर रहे हैं। घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर 8 में से 7 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित पुलिस के द्वारा की गई है। 8वां आरोपी आज पता चला है उड़ीसा क्षेत्र में मृत पाया गया है। इसके अलावा जो आरोपी हैं वो किसी तरह से पीड़िता पर, उनके परिवारजनों पर दबाव न डाल सके, इसके लिए मैंने SP को, पुलिस अधीक्षक जी को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि विशेष सुरक्षा टीम सक्रिय रखें उनके पास, उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी मर्जी अनुसार और परिस्थितियों को देखते हुए ये सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो इस जांच के लिए विशेष टीम बनाने की भी बात SP से, पुलिस अधीक्षक से हुई है। विशेष दल गठित करके त्वरित रूप से पूरे इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा टाइम बाउंड पीरियड में किया जाएगा। और इस पूरे प्रक्रिया को पुलिस के द्वारा चर्चा हुई है कि पुलिस के द्वारा निवेदन किया जाएगा माननीय न्यायालय के समक्ष कि स्पीडी ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी से जल्दी ट्रायल हो ताकि दोषियों को कठोर सजा मिल सके। पूरे प्रक्रिया में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि पीड़िता की पहचान किसी तरह सार्वजनिक न हो ताकि कानूनन नैतिकता और उसके भविष्य की दृष्टि से इसे सुनिश्चित कर सके और सख्त कार्रवाई लगातार सुनिश्चित हो। कुछ गिरफ्तारियां क्या इसमें बची हुई है, कुछ जानकारी मिल पाई? इसमें जहां तक मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है कि पीड़िता को माननीय न्यायालय के समक्ष अभी बयान आज कराने का काम शायद हो रहा है। उससे और स्पष्ट होगा कि 8 आरोपी थे या और कोई था, वो स्पष्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो सहायता कानूनन तौर पर मिल सकता है, दिया जा सकता है, वो भी जिला प्रशासन के माध्यम 4,12,000 रुपए की इनिशियल अमाउंट प्रशासन ने जारी किया, वो भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। ट्राइबल कमीशन भी जांच के लिए पहुंची थी, अपोजिशन पार्टी ने भी जांच टीम का गठन किया है, क्या लगता है कहीं कोई कमी रह गई है या फिर स्ट्रेटजी इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? पूरी प्रक्रिया को मैंने बताया कि घटना 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज हुई, FIR के 24 घंटे के अंदर 8 में से 7 की गिरफ्तारी हुई और 8वां मृत पाया गया है। और इसके अलावा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से स्पीडी ट्रायल के लिए भी पुलिस रिक्वेस्ट करेगी माननीय न्यायपालिका के समक्ष। विशेष जांच दल का गठन करके इन्वेस्टिगेशन को टाइम बाउंड पीरियड में पूरा किया जाएगा। सारे पक्षों का हम लोग ध्यान रखने का प्रयास किया कर रहे हैं। बाकी सभी लोग, राजनीतिक पार्टियां या कोई भी जो भी इस घटना के संबंध में कोई भी धरना प्रदर्शन या जो भी कर रहे हैं, मिलने के लिए अगर कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा कि पीड़िता के जो पहचान है उसे सार्वजनिक ना किया जाए, कानूनन दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से और उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सभी लोग ध्यान रखें। लोकतंत्र में बाकी अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाने के लिए सभी सक्षम हैं। विपक्ष का लगातार आरोप है कि इसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में काफ़ी बुरी स्थिति है, ये विपक्ष का आरोप है। कानून व्यवस्था के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में जो भी उस समय परिस्थिति थी उसको सुधारने का लगातार प्रयास हमारी सरकार कर रही है और जो भी जहाँ पर भी कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के, विजय शर्मा जी के नेतृत्व में कठोरता से पेश आएगी। और इस घटना में भी आपने पूरा देखा होगा कि जो बेस्ट लीगल एक्शन किया जा सकता था वो सभी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। किसी भी अपराधी को किसी भी आधार पर छोड़ने बचाने जैसी चीज़ कभी नहीं होगी। सर, घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसके लिए हर प्रकार की कार्रवाई, हर प्रकार का, जैसे देसी शराब का विषय आ रहा था,
या अवैध शराब का जो विषय रहता है, इन सब पर भी नियंत्रण रखने के लिए कठोर कार्रवाई पुलिस के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। एक सामाजिक पक्ष भी है इसका, वो भी कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत जरूरी जाता है कि वो अवेयरनेस आए महिलाओं के प्रति, खासतौर पर बेटियों के प्रति। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सरकार, समाज, विपक्ष, मीडिया, सभी के सहयोग से ही इस तरह की चीज़ों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। और हमारी सरकार 15 और 16 की दरमियानी रात को एक नाबालिग की पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट दिनांक 17 तारीख को लिखाई थी पीड़िता के द्वारा, जिसके बाद लगातार आरोपी फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस के द्वारा टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया है।